तो दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो दोस्तों फिर मुझे जिस तरह स्टेटस को देखा है, इस तरह स्टेटस आप भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। एकदम सिंपल है इस तरह स्टेटस को बनाना, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा खराब लगा कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिंज जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना पड़ेगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो आप एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइट मोशन में आने का होता है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना। और जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और ये दो प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के बाद देखो यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में आ जाना। तो इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो फास्ट में कुछ इस तरह आपको देखो देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा आगे आ जाना तो आगे देखो कुछ इस तरह आपको आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और जो बीट है ये बीट में आपको लिरिक्स लिखना पड़ेगा, तो ये बीट को कुछ भी छिड़काई नहीं करना है। और यहाँ पर जितने सारे लेयर है ये लेयर को भी कुछ भी छिड़खानी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर जो बीट है 2.13 सेकंड में ये बीट में आपको आना होगा। और ये बीट में आने के बाद जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आ जाना। और जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो मैं ऐड कर लिया हूँ, तो आप भी फोटो को ऐड कर लेना। फोटो ऐड करने के बाद मूव वाला ऑप्शन में आ जाना, जूम ऑप्शन में आ जाना। और ऐसा करके फोटो को जूम कर लेना अपने हिसाब से, जूम कर लेना। और जूम करने के बाद एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट में आपको आना होगा। लास्ट बिट में आने के बाद ये ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना और ऐसे करके साइड में दबा कर रखना होगा। और जो दो लेयर है दो लेयर के ठीक नीचे रख देना, तो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो अब क्या करना होगा, देखो फिर से ये बिट में आ जाना। और ये बिट में आने के बाद प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना। और ये वाला देखो पीएनजी फोटो को, सॉरी ये वाला पिंजी फोटो को ऐड कर लेना। पिंजी फोटो को ऐड करने के बाद मूव वाला ऑप्शन में आ जाना। और ऐसे करके देखो मूव करके यहाँ पर जो गर्ल्स है देखो उसके ठीक माथे के ऊपर रखना होगा, देखो ऐसे करके। तो ऐसे करके सेट कर लेना। सेट करने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट में आपको आना पड़ेगा। और ये ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना, तो देख सकते हो कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर जो लिरिक्स है वो लिखना होगा। तो लिरिक्स लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सॉन्ग को प्ले करके सुनना होगा। तो आप लोग सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना। तो देखो मैं आपको सुना देता हूँ, तो आप लोग ठीक से सुन लेना। सुनने के बाद दोस्तों प्लस ऑप्शन को टच करना पड़ेगा लिरिक्स लिखने के लिए, डबल टेक्स ऑप्शन को टच कर देना और इधर से लिरिक्स को लिख लेना। तो मेरा प्ले से लिखा है, उधर से मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। तो देखो नोट पैड ऐप में आ जाना। और जो लिरिक्स है ये लिरिक्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से कॉपी करके नोटपैड ऐप में पेस्ट कर लेना। और सबसे पहले जो देखो फर्स्ट जो लाइन है वो कॉपी कर लेना, उसके बाद दोस्तों फिर से एलाइट मोशन में आ जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो ग्रीन डॉट है, सॉरी सबसे पहले यहाँ पर जो पोजिशन है वो मिडिल कर लेना, उसके बाद यहाँ पर जो ग्रीन डॉट है ऐसे करके थोड़ा खींच लेना। और यहाँ पर जो रोबोट रेगुलर ऑप्शन यहाँ पर आ जाना। और जो फोन है ये फोन को सिलेक्ट कर लेना, जो फोन है ये फोन में पहले भी यूज किया हूँ, अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना नहीं होगा, नहीं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फोन लिंक देखने को मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर जो 18 PT ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से 16 PT कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना और इधर से कलर को सिलेक्ट कर लेना, वाइट कलर को। उसके बाद देखो यहाँ पर दो बार टिक ऑप्शन को टिक करना होगा, मूव वाला ऑप्शन में आना होगा और नीचे यहाँ पर रख देना। देखो यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट में आपको आना होगा, ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। बॉर्डर एंड शेडो ऑप्शन में आना होगा, शेडो को ऑन कर लेना। शेडो को ऑन करने के बाद यहाँ पर जो बॉक्स यहाँ पर टच करना, व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना और इसका जो लाइन है देखो वो 5 कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन को टच करना, शेडो ऑप्शन को, और शेडो को ऑन कर लेना। शेडो कलर ऑप्शन को टच करना, व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो साइज है साइज को अपने हिसाब से रख लेना। तो देखो मैं 30 रखने वाला हूँ और यहाँ पर जो XY है इसको 0.0 कर लेना। तो कुछ इस तरह देखो आपको ग्लो इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो बीट है ये बीट के हिसाब से आपको ये मिडिल कट करना होगा ये लेयर को। तो ये बीट के हिसाब से मिडिल कट कर लेना, ऐसे करके एकदम एंड तक मिडिल कट कर लेना। और देखो हमारा जो फर्स्ट जो लाइन है वो तो लिखना हो गया, तो सेकंड लाइन लिखेंगे। तो सेकंड लाइन लिखने के लिए सॉन्ग को दोबारा प्ले करके सुन लेना। तो देखो मैं थोड़ा आपको सुना देता हूँ,
सॉन्ग को सुनने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो लिरिक्स लेयर को टच करना पड़ेगा, डबल एडिट टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इसको पहले हट देना, और हटाने के बाद फिर से नोटपैड ऐप में आ जाना और सेकंड जो लाइन है वो कॉपी कर लेना, फिर से लाइट मोशन में आ जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह आपको जो लिरिक्स है वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप लोग जो लेयर है ये सारे लेयर में लिरिक्स को ऐड कर लेना, और लिरिक्स ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले देखो हमारा जो फोटो है मेन फोटो, इसमें इफेक्ट देंगे तो इसमें इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना, इसमें आने के बाद यहाँ पर जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्रीडॉट को टच करके कॉपी कट कर लेना, उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना। तो यहाँ पर जो मेन फोटो है ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्रीडॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देखो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो लिरिक्स है लिरिक्स में इफेक्ट देंगे तो लिरिक्स में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना फिर से, और इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना, इसमें आने के बाद यहाँ पर मेरा नाम का जो लेयर है लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्रीडॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना, फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में आ जाना। तो इसमें आने के बाद यहाँ पर जो लिरिक्स है लिरिक्स में इफेक्ट को देना होगा, तो लिरिक्स लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रीडॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देखो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा लिरिक्स में। तो फिर से फोटो ले सॉरी लिरिक्स लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रीडॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो दोस्तों ऐसे करके आप लोग यहाँ पर जो लिरिक्स है ये लिरिक्स में इफेक्ट को दे देना एकदम एंड तक ऐसे करके, और इफेक्ट देना हो जाने के बाद अब क्या करना होगा, फास्ट में आ जाना, फास्ट में आने के बाद प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और यहाँ पर जो पीएनजी फोटो है देखो ये वाला पीएनजी फोटो को ऐड कर देना, ऐड करने के बाद लास्ट में आना पड़ेगा ये ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। तो कुछ इस तरह देखो आपको जो बॉर्डर है वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप स्टेटस को बन लेना, और स्टेटस बनना हो जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए देखो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।